स्टेज पर दूल्हे ने की वो हरकत जिसे देख दुल्हन बोली, कुछ भी हो इससे शादी नहीं करूंगी। वाराणसी, यहां दुल्हन ने शराब पीकर आए दूल्हे के साथ शादी करने से इनकार कर दिया। दरअसल जयमाल के समय दूल्हा और उसके दोस्त स्टेज पर चढ़कर अश्लील कमेंट कर रहे थे। लड़की के विरोध करने पर लड़का उसी पर भड़क गया और तोड़फोड़ करने लगा। इसके बाद लड़की ने कहा, अब तो कुछ भी हो जाए मैं इस आदमी से शादी नहीं कर सकती। क्या है पूरा मामला? मामला काशी के रोहनिया थाना क्षेत्र का है। लड़की के पिता रामलाल चौहान ने बताया, 7 महीने पहले बेटी बबीता की शादी मिर्जापुर के जागरण चौहान से तय की गई। रविवार 21 मई को बारात आई। द्वार पूजा के बाद भी बाराती शराब के नशे में घंटों नाचते रहे, घर की महिलाओं पर अश्लील कमेंट करते रहे। इसके बाद जयमाल के समय दूल्हा नशे में घर की महिलाओं से भद्दी बातें करने लगा। उसके दोस्त भी स्टेज पर मौजूद लड़कियों पर कमेंट पास करने लगे। बेटी ने विरोध किया तो दूल्हा उस पर ही भड़क गया और स्टेज से उतरकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके बाद बेटी ने शादी से साफ इनकार कर दिया। मुझे खुशी है कि बेटी ने इतना बड़ा फैसला लिया। लड़की ने कहा, स्टेज पर मैं जैसे पहुंची मेरी सहेलियों पर दूल्हे के दोस्त ने गंदे कमेंट शुरू कर दिए, घटिया तरह की बातें करने लगे। उस समय मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जयमाल के वक्त दूल्हा मेरे सामने आया तो उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। फिर भी मैंने खुद को रोका, लेकिन हद तो तब हो गई जब उसने खुद घर की महिलाओं पर अश्लील कमेंट शुरू कर दिए। फिर स्टेज से चिल्लाकर मैंने इस शादी से इनकार कर दिया। मैंने जिद पकड़ ली कि अब तो कुछ भी हो जाए मैं इस लड़के से शादी कतई नहीं कर सकती। क्या कहती है पुलिस? SO क्षितिज त्रिपाठी ने बताया, शराब के नशे में बारातियों ने हंगामा किया, कुछ गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। घटना में कुछ ग्रामीण घायल भी हुए। दोनों पक्षों को थाने बुलाकर बातचीत की है। फिलहाल कोई तहरीर नहीं मिली है, अगर तहरीर मिलती है तो उसी आधार पर कार्यवाही की जाएगी। लड़की की मां ने कहा, जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। लड़की की मां ने कहा, हमें नशेड़ी दामाद नहीं चाहिए, वो नशे में तांडव कर रहा था, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। आशा करता हूँ यह न्यूज आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही अन्य रोचक एवं समाज से जुड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।